दिल्ली से खबर है जहां पुलिस ने एक फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा कर दिया है। मधु विहार के एक मकान में पुलिस ने छापेमारी कर फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा किया है, जहां से पुलिस ने 28 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मौके से 22 लैपटॉप, 20 कंप्यूटर, इसके साथ ही 55 मोबाइल, 2 वाईफाई राउटर और एक कैश काउंटिंग मशीन, इसके साथ ही हार्ड डिस्क और 40,000 रुपए कैश बरामद हुए हैं। डीसीपी अमृता गुगुलोथ ने यह बताया है कि धरपकड़ की जानकारी उन्होंने दी और उन्होंने ये बताया कि इस कॉल सेंटर के जरिए प्रतिबंधित चाइनीज ऐप के माध्यम से लोगों को ब्लैकमेल कर ठगी की जा रही थी। तो यहां पर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है कॉल सेंटर का। आपको बता दें कि पुलिस ने 28 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया है। ये एक इलीगल कॉल सेंटर काम कर रहा है मधु विहार के एरिया में। ये चल रहा था B37 फर्स्ट और थर्ड फ्लोर्स ऑफ पांडव नगर के एरिया में, मधु विहार के एरिया में। तो उसी टाइम हमारे टीम अलर्ट हो गई और हमने अपने टीम बना लिया था और इस पे रेड किया था। 30 तारीख की रात की बात है। तो उसमें हमने देखा है कि कॉल सेंटर तो चल रही थी और कॉल सेंटर में हमें कई ज़्यादा एम्प्लॉयज़ वहाँ पे थे जिन्होंने थोड़ा सा इल्लीगल काम करते हुए नज़र आए। हमने थोड़ा सा उस पर और गौर किया तो उसमें से हमें पता चला है कि ये लोग अपने विक्टिम्स के ऊपर, जो क्लाइंट्स बोलते हैं बोल सकते हैं या विक्टिम्स हैं, उनके उनको एक्सटॉर्ट कर रहे थे पैसों के लिए और उनको ये डेरोगेटरी मैसेजेस भेज रहे थे, गलत तरीके से ऑब्सीन मैसेजेस भेज रहे थे और न्यूड पिक्चर्स भेज के इनसे पैसे मांग रहे थे और एक्सटॉर्ट कर रहे थे।